प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण खतरा एक बार फिर बढ़ रहा है। वजह है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। दुनिया भर के कई देशों में वेरिएंट से जुड़े मामले आ रहे हैं। अब इसकी तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर को रोम के बेम्बिनो गेसो अस्पताल में किए गए रिसर्च के बाद लिया गया है। इस रिसर्च को प्रोफेसर कार्लो फेडरिको पर्नो ने कोऑर्डिनेट किया है और मिलान के स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्लाडिया अल्टेरी ने इस रिसर्च को सुपरवाइज किया है। इस तस्वीर में ओमिक्रॉन स्पाइक प्रोटीन की संरचना को देखा जा सकता है। तस्वीर से साफ है कि ओमिक्रॉन का म्यूटेंट रेड डेल्टा वेरिएंट से कहीं ज्यादा है। दुनिया भर में कोरोना वेरिएंट के नए मामले सामने आ रहे हैं। भारत अलर्ट मोड पर है। कई जगहों पर इसे लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद दुनिया भर में हड़कंप मचा है। अभी तक इसका कोई मामला भारत देश में सामने नहीं आया है, लेकिन केंद्र से लेकर राज्यों तक में चिंता बढ़ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इसे लेकर राज्यों के साथ मंगलवार को एक समीक्षा बैठक करने का फैसला लिया है। इस मीटिंग में ओमिक्रॉन के संक्रमण से बचने के लिए राज्य सरकारें क्या उपाय कर रही हैं, इस पर चर्चा होनी है। इससे दो दिन पहले सरकार की तरफ से इस खतरनाक वायरस को लेकर निगरानी बढ़ाने का निर्देश जारी किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर गहन रोकथाम करने और निगरानी के उपाय को बढ़ाने और कोरोना टीकाकरण पर जोर देने की बात कही है। मौजूदा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी सभी विदेशी यात्रियों को फ्लाइट बोर्ड करने से पहले अपनी 14 दिनों की यात्रा की जानकारी बतानी होगी। गाइडलाइन में यह भी बताया गया है कि एक रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों के लिए देश के हर एयरपोर्ट पर अलग एरिया बनाया जाएगा, जहां वे RT-PCR टेस्ट के रिजल्ट के इंतजार करेंगे। सभी एयरपोर्ट पर अतिरिक्त RT-PCR सुविधा भी तैयार की जाएगी। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर उभर रही चिंताओं के बीच कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका से हाल में ही बेंगलुरु आए दो लोगों में से एक नमूना डेल्टा वेरिएंट से अलग है। इस व्यक्ति में पाया गया वायरस डेल्टा वेरिएंट से अलग दिखता है। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में दक्षिण अफ्रीका से लौटे एक शख्स को कोरोना से संक्रमित पाया गया है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।